सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। सेना के 23 जवान लापता होने की खबर है। प्रशासन ने आसपास लोगों से सतर्क रहने के लिए करा गया है। तलाशी अभियान जारी है। हादसे में घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिंगतम पहुंचे और यहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। सुबह पहले 23 जवानों के लापता होने की खबर आई थी। अब 23 जवान समेत कुल 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। गुवाहाटी में रक्षा प्रो ने सुबह कहा था, सिक्किम के उत्तर में लोहनक झील पर अचानक बाढ़ आ गई। 23 जवान लापता हैं। चुनथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15-20 फीट की ऊंचाई तक जलस्तर अचानक बढ़ गया। इससे सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हो गए। सेना के 23 जवानों के लापता होने और 41 गाड़ियों के कीचड़ में डूबे होने की खबर है। इससे पहले 18 अगस्त को उत्तराखंड में चमोली के थराली क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बादल फटने की घटना सामने आई थी। बादल फटने के बाद प्रणमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा था और पिंडर नदी भी उफान पर आ गई थी। नदियों का पानी लोगों के घरों और शिव मंदिर में घुस गया था। इससे भारी नुकसान हुआ था, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। बीजेपी नेता उगेन शेरिंग ग्यात्सो भूटिया ने बताया, सरकारी तंत्र को लगाकर लोगों की जान बचाई जा रही है जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन सिंगतम में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। कुछ लोगों के गुमशुदा होने की सूचना है जिन्हें ढूंढने की कोशिश चल रही है।